2-3 दिन पहले हाई कोर्ट से ये आदेश हुआ था कि सरकार पैरा 34 में आगे प्रस्यू कर सकती है। इस आधार पर हिमाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने हमीरपुर कर्मचारी आयोग को पत्र लिखकर ये आदेश जारी कर दिए हैं कि आप 556 पोस्ट कोड संख्या 556 के जो 530 पद हैं जो 817 में शिफ्ट किए गए थे, इसे 817 से एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर इसे अलग रखा जाए, इसे होल्ड कर दिया जाए। शेष रहते जे आई टी 817 के 1337 पदों का रिजल्ट घोषित करने के लिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कार्मिक विभाग ने पत्र लिख दिया है, ऑफिशियल चिट्ठी जारी कर दी है। हालांकि इसमें बड़ी अपडेट यह है कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के इन आदेशों के बावजूद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर इस रिजल्ट को घोषित करने में कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त लगाएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले पर आज हमारी ACS पर्सनल प्रबोध सक्सेना इन भर्तियों को डील कर रहे कार्मिक विभाग के अधिकारियों से बात हुई, इसके बाद एडवोकेट जनरल से बात हुई और अंत में इस पूरे मुद्दे पर हमारी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी जितेंद्र कंवर से बात हुई। जितेंद्र कंवर का कहना था 530 पदों को एक्सक्लूड करने के लिए कहा गया है, यानी कि अब इस 817 की जो हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे इसमें नए तरीके से रिजर्वेशन का रोस्टर बनेगा। 530 पोस्ट कोर संख्या 556 की थी, वर्ष 2019 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ, इसके बाद 817 के 1337 पद विज्ञापित हुए, एडवर्टाइज हुए, बाद में 556 के 530 पद 817 में शिफ्ट कर दिए। इस कारण जितेंद्र कंवर का यह कहना था, कमीशन का यह कहना था, इस कारण 530 पदों पर अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन लागू होगा, यानी कि 40 विभागों की ये 530 पोस्टें हैं। इसके लिए कमीशन अब रिवाइज्ड रेकोजिशन के लिए विभागों को चिट्ठी लिखेगा, फ्रेश रेकोजिशन आने के बाद इसके रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से 40 डिपार्टमेंट है, सभी को चिट्ठी लिखी जाएगी, सभी को रोस्टर नए तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि 10% यहाँ पर कमजोर सामान्य वर्ग के जो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए फ्रेश रोस्टर यहाँ पर इन तमाम पोस्टों के लिए लगेगा। इस आधार पर जब तमाम 40 विभागों से 530 पदों का फ्रेश रिजर्वेशन का रिक्वायरमेंट का लेटर आ जाएगा, फिर 1337 पदों के विरुद्ध 3 के गुणांक से करीब 4000 अभ्यर्थियों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। और कर्मचारी चयन आयोग का कहना था कि इसके लिए 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, यानी कि राहत जरूर मिली है लेकिन प्रक्रिया में प्रोसेस में इंतजार करना पड़ेगा। बात करेंगे 556 में, 556 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर मेरिट को रिकास्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा है। 12 जुलाई से पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार को मुख्य सचिव के हवाले से एफिडेविट देना होगा, सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि राज्य सरकार का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है। और माना जा रहा है कि अगले 4-5 दिनों में हिमाचल प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए एफिडेविट मूव कर सकती है।